नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेजशिविर कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपको जो पेंडिंग का काम होता है ठेकेदारी के अंदर, सरकारी ठेकेदारी के अंदर जो होता है उनकी बात करूंगा, जो टेंडर में निकलता है पेंडिंग का काम उनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आप नए ठेकेदार हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर हमें पेंडिंग का काम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे आप एक अच्छा वीडियो बना के दीजिए, तो मैं उस पे बात करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पेंटिंग का काम जो बिल्डिंग पेंटिंग होती है वो अलग होती है, एक जो राइटिंग पेंटिंग होती है, जैसे आपको कहीं पे बिल्डिंग में लिखा हुआ होता है, जैसे रेलवे का काम आप देख लीजिए, रेलवे के अंदर जगह जगह हर चीज़ लिखी होती है, रोड के अंदर जो रोड बनते हैं उनके अंदर आजकल तो स्टिकर पेंट हो गए हैं, बाकी जगह जगह रोड पे जो होते हैं आपने देखे होंगे जिसमें किलोमीटर लिखा होता है उसके अंदर भी पेंडिंग का काम निकलता है, वो हाथ से लिखित जो काम होता है लिखने वाला वो अलग, राइटिंग वाली जो पेंडिंग होती है वो अलग होती है। दूसरा पॉइंट, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा काम पेंटिंग का काम इसके अंदर कहाँ निकलता है ठेकेदारों के लिए, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम निकलता है सभी डिपार्टमेंट में, वैसे तो काम निकलता है लेकिन कॉलेज हो गए आपके, देखो जितने भी कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या आपकी सरकारी कॉलोनियाँ हैं, या आपके कोई सरकारी ऑफिस हैं, ये सब में पेंटिंग के काम बहुत निकलते हैं। क्योंकि दोस्त ये लोग कहते हैं कि सर हमें काम नहीं मिलता, तो मैं इनको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के अंदर ये मत सोचना कि आपको सिर्फ पेंटिंग का काम ही निकलता है, ऐसे काम कम निकलते हैं लेकिन बड़े निकलते हैं। आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन लेकिन बड़े काम करने पड़ेंगे आपको। आपको रेट के बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए, टेंडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो में बता रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के और बड़े बड़े टेंडर आप ले सकते हैं। इसके लिए देखिए सारे कॉलेज वगैरह में टेंडर आप डाल सकते हैं, हर विभाग में होता है, पंचायती राज में हो जाता है, पीएचईडी में भी होता है, पीडब्ल्यूडी में भी होता है, और मतलब नगर निगम, नगर पालिका, सब जगह ये काम निकलते हैं, आप आराम से इन काम को ले सकते हैं। दोस्तों, अब आती है सबसे ज़्यादा पेंडिंग का काम कहाँ निकलता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पेंडिंग का काम जो लिखाई वाला काम होता है, जिसको हम हाथ से लिखते हैं, नंबर लेटर लिखते हैं, वो आपको रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा काम निकलता है। आपने देखा होगा रेलवे के अंदर हर चीज़ लिखित में होती है, पेंटर वहाँ पे बहुत सारे लगे होते हैं। पहले तो क्या होता था कि सरकारी नौकरी पे ये लोग रखे जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, सब लोगों को टेंडर निकाल दिया जाता है, ठेकेदारों को वो काम दे दिया जाता है, और जो ठेकेदार लोग हैं वो अपना पेंटर लेके आते हैं, उनसे वो काम करवाते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको इन आदमियों के कांटेक्ट में रहना है, जैसे आपको पेंटर का कांटेक्ट याद, या आप खुद कांटेक्टर हैं, पेंटर हैं, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे कांटेक्टर हैं सिविल के, आप पूरा काम लेते हैं, तो आपको ऐसे पेंटर अपने साथ रखने चाहिए जिनसे आप ये काम करवाते हैं, तो उनके आपको अच्छी बचत हो सकती है। क्योंकि बड़े टेंडर आप उठाएंगे तो उसके अंदर आप काम दे दीजिए, पेटी में दे दीजिए, उस तरीके से भी आप काम करवा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक हो गया वैसा पेंडिंग का काम, एक होता है वैसे पुताई वाला काम, जिसको बिल्डिंग का पुताई का काम होते हैं या पेंट पीओपी वाला काम होता है, ये अलग अलग काम होते हैं। इनको आप अलग अलग तरीके से लेकर के खुद कर सकते हैं, अगर आप खुद पेंटर हैं तो आप खुद कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं आपके लिए। आप सबसे ज़्यादा टेंडर मेरी नज़र में जो लिखाई वाला काम होता है वो रेलवे में ज़्यादा निकलता है, बाकी वैसा जो काम होता है पेंटिंग, जो बिल्डिंग का पेंट होता है, वो काम सभी डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें अलग से निकलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।